हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा शेख। वेलकम टू माय चैनल विजडम मास्टर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पादप अनुवंशिकी। टॉपिक से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो फ्रेंड्स ये आनुवंशिक है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स ये जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है? तो फ्रेंड्स वंशागति की इकाई जीन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? इन्होंने गार्डन पी पर पौधे पर संकरण प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, बारबेरा माइक्लिटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये मक्का के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विपर्यापी लक्षण उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? तो फ्रेंड्स ये संलग्नता जो है मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है? तो फ्रेंड्स ये 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? ये DNA के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सन 1959 के कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? तो ये कार्नबर्ग को मिला था। 1959 के कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला? तो ये कार्नबर्ग को मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र अभ्यूहन का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। अगला क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इन्हें जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो ये खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो फ्रेंड्स ये बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? ये क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा है? तो फ्रेंड्स ये बेटसन ने गढ़ा था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के पादप आनुवंशिकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको अच्छे लगे होंगे और आप सब ने याद कर लिए होंगे। फ्रेंड्स इसका नोट्स बनाते हुए चलिए टॉपिक वाइज, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को सीरियल वाइज बताया हुआ है और ऐसे ही बताते चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।